अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। और मेरे पास काफ़ी दिन पहले की ये वीडियो पड़ी हुई थी, तो मैंने ये इसमें ऐड कर दी है क्लिप। यहाँ पर मेंस जीन्स थी, शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी और शूज़ काफ़ी अच्छी वैरायटी में आए हुए थे। और ये देखें, सैंडल्स थी और डेली यूज़ वाली स्लीपर थी और बच्चों के वाइट और ब्लैक शूज़ थे, जो कि वहाँ से मैं भी लेकर आई थी अपने बेटे के वाइट शूज़। वो मैंने उसके नहीं लिए थे, तो वाइट शूज़ मैंने उसके लिए थे। और सैंडल्स भी यहाँ पर पड़ी हुई थी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्कूल शूज़ आए हुए थे, ब्लैक एंड वाइट। ये देखें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी। और ये था मेरा योगा मैट, जिसके साथ मुझे कोई भी बैग नहीं मिला था या कोई स्ट्रिप नहीं मिली थी इस तरह से इसको कैरी करने के लिए। और ये देखें, मैंने मेरे पास कुछ स्ट्रिप रखी हुई थी, ये स्कूल बैग्स में से मैंने निकाली थी। जैसे मेरे पास पड़े हुए थे कुछ बैग्स वगैरह, स्कूल बैग्स वगैरह, तो उनमें से मैंने निकाली थी और वेलक्रो इस पर मैंने स्टिच किया था और इस तरह से इसको अटैच कर दिया था। और ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो गया था, इसको कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं और इसको कहीं ले जा सकते हैं अपने साथ। और ये छोटी सी जगह में रख सकते हैं आप इसको और ये खुलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैंने इसके लिए ये बनाया था। बैग ना बनाकर ये मैंने स्ट्रिप का यूज़ किया था, जो मेरे पास रखी हुई थी वेस्ट, और उनको ही मैंने यूज़ किया था। और ये देखें, अब ईज़िली मैं इसको हैंग करके कहीं भी रख सकती हूँ। और उसके बाद में मैंने एक बैग पर्स बाय किया था, ये देखें। और बच्चों के इसमें एक से दो कपड़े इजीली आप कैरी कर सकते हैं विद मेकअप। ये देखें, काफ़ी अच्छा इसका साइज़ था और इसके साथ स्लिंग बैग था छोटा सा, और इसके भी अंदर एक पाउच था छोटा सा। ये देखें, इसमें आप अपना कैश, कोई कार्ड, मोबाइल, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। और एक साइड को वो रहेगा और आपको ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होगी। या फिर आप मेकअप का सामान भी ये छोटे वाले पाउच में रख सकते हैं। किसी भी तरह से आप मैनी पर्पस इसको यूज़ कर सकते हैं और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और इसको मैंने अलग निकाल लिया है डेली यूज़ के लिए, और वो बैग मैंने अलग रख दिया है निकाल कर। ये देखें, ये काफ़ी प्यारा लग रहा था बैग, ये देखें। और जो छोटा वाला स्लिंग बैग है, उसको मैं डेली में यूज़ करूँगी मार्केट जाते टाइम। अपना वॉलेट या फिर मोबाइल वगैरह इजीली आप उसमें रख सकते हैं, तो खोने का भी डर नहीं होता है, हाथ से गिरने का डर नहीं होता है। और यहाँ पर मेरी मेडिसिन रखी हुई थी, जो कि अभी मैं फ़िलहाल ले रही हूँ। ये देखें, काफ़ी सारी मेडिसिन, मेरे सिरप वगैरह रखे हुए हैं। मेडिसिन तो खैर एक साइड पर मेरी रखी हुई हैं। और ये देखें, ये मैंने सीड्स ऑर्डर किए थे मीशो से और मुझे ये काफ़ी अच्छे रिसीव हुए हैं। और ये रोस्टेड है, ये सिंपल वाले सीड्स नहीं हैं, कच्चे नहीं हैं, ये रोस्ट किए हुए हैं और काफ़ी अच्छा, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर कच्चे सीड्स आप लेते हैं तो वो खाने में थोड़ा अजीब सा उनका टेस्ट होता है, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और दो मैंने मंगवाए थे। और ये मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने सूट वगैरह सिए थे अपने, तो ये मैंने दुपट्टे पे लेस लगाई थी, तो ये दुपट्टे पर लेस काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये देखें, बारीक सी मैंने लेस ली हुई है इस पर। और ये मैं इसको हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मशीन यहाँ पर नहीं चलने वाली थी, मशीन से स्टिच नहीं होता यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको पूरे फोर साइड पर हाथ से ही मैंने इसे लगाया है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे इसे लगाने में, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इससे दुपट्टा, और ज़्यादा इसका अच्छा लुक आ गया था। और यहाँ पर भी कुछ हैंडवर्क हो रखा था, तो इसलिए मशीन से नहीं लगने वाली थी ये, तो इसलिए मैंने हाथ से ही इसको पूरा लगाया था। और सूट मैंने सबसे पहले ही सिल कर रख दिया था, तो ये देखें, सूट मेरा कंप्लीट हो चुका था। और ये ग्रे कलर का सूट है और बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था, और मैं अभी इसको तुरपाई करने लगी हूँ। तो मैंने मशीन का काम कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद में मैं हाथ
से जो जितना भी वर्क रहता है, लटकन वगैरह जो भी इसमें टेसल वगैरह लगने थे, वो सभी मैंने हाथ वाला काम में आराम से बैठ गई थी और 1.5 से 2 घंटा मुझे इसमें लग गया था कंप्लीट करने में इसको। तो अभी मैंने ये सूट भी कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने रात में चाय नहीं बनाई थी, तो मैंने बनाया था सूप, कॉर्न का ये सूप था, वेज सूप। और उसके बाद में मैंने कॉर्न फ्लेक्स बनाए थे और एक ग्लास में हॉर्लिक्स मैंने इसमें ऐड किया था पीने के लिए। और ये कॉर्न फ्लेक्स मेरे हस्बैंड के लिए, उनको पसंद थे ये, तो उनके लिए मैंने बनाए थे। और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था सूप पीने का, बट मैंने नोर के टोमेटो वाले सूप, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसी का सोच के मैंने ये वाला सूप भी ट्राई किया था, बट ये चिंग्स का बट इसका टेस्ट मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, और ये मैंने फिर फेंक दिया था सिंक में। वैसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ चीज़ों को, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब था, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद में मैं रात के टाइम सारे काम फिनिश करने के बाद यहाँ खड़ी हो गई थी खिड़की में, और ये देखे यहाँ पर बादल, वाइट बादल आ रखे थे, और ये देखें चल रहे थे ये इस तरह से हवा के साथ, और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिलैक्स फील हो रहा था। जो मैंने लेंस लिए थे उनको मैं एक बार चेक कर रही थी, और उनको मैं इस बॉक्स में ट्रांसफ़र कर रही थी खोलने के बाद, जो इसके साथ लेंस केस आया था इसके अंदर मैं डाल के रख रही थी, और इसका कलर भी मैं चेक कर रही थी, डार्क ग्रे कलर था इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर था। और उसके बाद में मॉर्निंग हो गया था, उसमें बनाया था मैंने पोहा, और अभी हम करने लगे थे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद आ गया था मेरा बेटा, और ये देखें ये भी नाश्ता कर रहा था, और ये अपना नाश्ता खुद लेकर आया था घर से, इसके नानू ने इसके लिए भेजा था ये नाश्ता, बिरयानी पकौड़ियाँ ये सब। और ये देखें इसके खाने की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अपनी बैग में डाल कर लेकर आया था, काफ़ी सारी चीज़ें रह भी गई थी और काफ़ी सारी लेकर भी आया था ये देखें। और ये अपना पिटारा चीज़ का खोलने लगा है, और ये देखें इसके फेवरेट जिम जैम के बिस्किट्स, और ये भी काफ़ी सारे थे, 4-5 पैकेट थे, और काफ़ी सारे इसमें चिप्स वीप्स पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी इसमें, और उनको वो सेट करके रख रहा था पहले, सबसे पहले उसने ये काम किया है आके, ये देखें काउंट कर लिया था अच्छे से ताकि मिस ना हो जाए एक भी। ये लॉलीपॉप थे और ये थे नमकीन वगैरह। और ये देखें अभी मैंने इसको नाश्ता निकाल कर दिया है, ये भी वो अपने साथ लेकर आया था, उसके नानू ने दिलवाए थे, और पकौड़ियाँ थी, और ये थे बिरयानी ये देखें। और उसके बाद में हम दोनों ने बैठकर दोबारा से नाश्ता किया था, और ये इसके बैग वगैरह यहाँ पर अभी रखे हुए हैं, और ये देखें अपनी चीज़ें यहाँ पर ये रख कर गया है। ये बास्केट मैंने बाय करी थी रिसेंटली, और बताना ये कैसी लग रही है, हैंग करने वाली थी ये, और इसमें अपनी इसने चीज़ें रखी हैं सारी। और ये एक ये था स्टैंड, उसमें मैंने सारे बर्तन लगाए हैं, और ये काफ़ी अच्छे दोनों स्टैंड मुझे मिल गए थे। उसके बाद में रात हो गया था, और शाम में जब मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो चिकन लेकर आए थे, तो आज उन्होंने कहा था कि चिकन फ्राई करेंगे, और जब इस तरह की कोई चीज़ें बनाते हैं तो मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं थोड़ी थोड़ी, जब मैं कोई ऐसी चीज़ें कुक करती हूँ तो उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपने देखा होगा वो मेरे साथ रहते हैं, या तो फिर मुझे ऐसा होता है कि मुझे थोड़ी वीडियो भी शूट करनी होती है तो मेरे आसपास ही रहते हैं वो। और एक बैच मैंने निकाल लिया था फ्राई करके, और इसको डबल हमें फ्राई करना होता है, तो दोबारा में उन्होंने फ्राई किया था फिर।
और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और हमने गरम गरम एकदम फौरन से खाया था इसको बनाकर। सेकंड बैच हमने रख दिया था फ्राई करने के लिए, और इस तरह से हमने खाया था। और ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बट टेस्ट फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। ऐसा नहीं है कि रिफाइंड ऑयल से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है मस्टर्ड ऑयल में भी। कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और ये देखें अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है फ्राई करने में, चीज़ों को रोस्ट करने में उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये फ्राई हो चुके हैं जो कि मैंने फ्राई कर दिए हैं, अभी उनका मन था तो मैंने उनको दे दिया, फिर उन्हें भी इस तरह से डालने थे इसमें, उन्होंने बोला थोड़ा सा मैं भी फ्राई करके देखता हूँ। और ये देखें और फ्राई हो गया हमारा तैयार चिकन फ्राई, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। स्पाइसी करके मैंने बनाया था, इसमें स्पाइसेस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने ऐड किए थे, और फिर साथ में मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी, और थोड़ी सी मैंने प्याज भी कट करके रखी थी, और थोड़े से पीनट मेरे पास रखे थे जो कि मैं पोहा के लिए रखती हूँ, तो उनको भी जो थोड़ा बहुत जो बेसन बचा हुआ था, बैटर बचा था थोड़ा बहुत, वो उसमें मैंने ये पीनट्स फ्राई किए हैं। ये देखें टेस्टी चिकन फ्राई बनकर रेडी हैं विद पीनट्स, और ये देख कितना प्यारा लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और हमने इंजॉय किया था बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। और ग्रीन चटनी से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और पीनट्स भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरह से फ्राई करने के बाद, और क्रंचीनेस इसमें आ जाती है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस बैटर के साथ आप पीनट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Well, oh, Sunday.